सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दांत की समस्या से तुरंत ही छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये नुस्खा दांत की समस्या को तो दूर करेगा ही, साथ ही दांत में होने वाली खुजली को भी जड़ से समाप्त कर देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये नुस्खा जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को आप हमेशा की तरह पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको टिप्स के तौर पर दांत को दूर करने का एक और घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों में से किसी एक नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर दोनों ही नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है छिलके वाली मूंग की दाल। जी हाँ दोस्तों, इस नुस्खे में आपको छिलके वाली मूंग की दाल का प्रयोग करना है। दोस्तों, करीब आधा कप आप छिलके वाली मूंग की दाल को पानी में भिगो दीजिए। मैंने इसे पानी में भिगो करके पहले से रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखला देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधा कप छिलके वाली मूंग की दाल को पानी में भिगो करके करीब 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया है। अब मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लूंगा। पेस्ट को तैयार करने के बाद मैं आपको इस नुस्खे का प्रयोग बता देता हूँ। तो पहले मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने छिलके वाली दाल को पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ध्यान रखिएगा, आपको इस दाल को पीसते समय अलग से पानी का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जिस पानी में आप इस दाल को भिगोएंगे आपको उस पानी में ही इस दाल को पीसना है। और ध्यान रखिएगा कि इसका पेस्ट आप ज्यादा पतला मत होने दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस नुस्खे को आपको दांत की समस्या को दूर करने में करना कैसे है। दोस्तों, जहाँ पर भी आपको दांत की समस्या हो जाए वहाँ पे आप इस पेस्ट को इस तरीके से लगा लीजिए। जहाँ पर भी आपको दांत की समस्या हो वहाँ पर इस पेस्ट को आप इस तरीके से लगा करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहे तो इसे आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे ताजे पानी से धो लीजिए। इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे दांत की समस्या और दांत में होने वाली खुजली तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है दांत की समस्या को तुरंत ही समाप्त करने का। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। जिन लोगों को दांत की समस्या पूरे शरीर में होती है वे लोग इस टिप्स का प्रयोग जरूर करेंगे। 2 चम्मच तुलसी के पत्ते का रस दिन में खाली पेट पीने से दांत की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।